मित्रों नमस्कार, आपका फिर स्वागत है। मित्रों, कर्नाटक चुनाव बहुत रोचक दौर पर पहुंच गया है, क्योंकि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस का नहले पर दहला है। बीजेपी ने जो पूरे चुनाव को हिंदू चुनाव बनाने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया, कांग्रेस को वोट मत देना नहीं तो मुसलमानों को फिर वोट दे देंगे, फिर आरक्षण दे देंगे। और आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने बिल्कुल बीजेपी के ठीक उल्टा एक ऐसा घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसमें उन्होंने आरक्षण की बात कही, दूसरा उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे ये जो चुनाव है वो हिंदू वर्सेस अदर्स हो गया। बीजेपी ने हिंदुओं का वोट आकर्षित करने के लिए एक चाल चली थी, तो कांग्रेस ने उसी चाल पर एक तुरप का पत्ता मार दिया। और आपको बता दें कि कर्नाटक में 12% तो मुसलमान हैं, 18% लिंगायत हैं और 17% वोकलिंगा हैं। तो जो वोकलिंगा और लिंगायत हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वो हिंदू हैं लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते हैं ये हमारा अलग धर्म है। जैसे कि द्रविड़ हैं जो तमिलनाडु में, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वो कहते हैं हम द्रविड़ हैं, अलग हैं, हमारी कास्ट अलग है। तो इस तरह से ये जो लिंगायत और वकलिंगा है वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ हिंदू वोट हैं वो एक तरफ हो गए, वकलिंगा लिंगायत ईसाई 2% हैं और 12% मुसलमान हैं, ये एक तरफ हो गए। तो लिंगायत का जैसे आपको पता है कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं जिसमें V.S. येदियुरप्पा हैं और बसवराज बोम्मई हैं, ये लिंगायत लीडर हैं, और जगदीश शेटर भी लिंगायत थे जो कांग्रेस में चले गए हैं। तो कांग्रेस के पास लिंगायत कम थे और वोकलिंगा ज़्यादा थे। जैसे उनका सिद्धरमैया हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो वोकलिंगा हैं, और डी शिवकुमार हैं वो भी वोकलिंगा हैं जो इसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो ये और जो JDS के अध्यक्ष हैं कुमार स्वामी, ये भी वोकलिंगा हैं। तो ये SD देवेगौड़ा, अब उनका बेटा कुमार स्वामी, ये वोकलिंगा, कांग्रेस के सिद्धरमैया और डी शिवकुमार, ये वोकलिंगा। तो इन लोगों की एक अपनी जो दक्षिण कर्नाटका है उनका एक अपना रोल है, वहाँ 17% वोट है और मुस्लिम भी इसी इलाके में ज़्यादा है। तो मुस्लिम JDS और कांग्रेस में बढ़ता था, लेकिन इस बार जिस तरह से मजबूती से कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो ये बहुत बड़ा असर डालेगा कि हिंदू एक तरफ होंगे और मुसलमान खुश हो जाएंगे इससे कि ये बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। PFI पर भी प्रतिबंध लगाने की बात है, लेकिन PFI पे ऑलरेडी 5 साल से प्रतिबंध चल रहा है और मुसलमानों को PFI से कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो मुस्लिम संगठन है वो कहते हैं कि PFI जो है वो देशद्रोही संगठन है, इसलिए उसको मुस्लिम से नहीं जोड़ते। तो ये जो आंदोलन है, ये जो कर्नाटक का चुनाव, इसमें जो घोषणा पत्र है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बीजेपी ने कहा था कि हम 3 सिलेंडर साल में फ्री देंगे, 5 किलो राशन देंगे, नंदनी दूध देंगे आधा की लीटर, और जो बेरोजगार है, गृहिणी है, उनको 3,000 रुपये देंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि NRC और CAA भी लागू करेंगे। कांग्रेस ने सीधे सीधे कह दिया कि 75% आरक्षण देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो नंदनी दूध है जिसको सरकार सब्सिडी देती है 5 रुपया पर लीटर, उसको बढ़ा के 7 रुपये कर देंगे। तो जो आप आधा लीटर दूध देने की बात कर रहे हो, उन्होंने सब पूरे साल भर का इंतजाम कर दिया कि पूरे साल भर आपको जो भी 39 का आपको 1 किलो 1 लीटर दूध मिलता है वो फिर घट के 38 हो जाएगा या 37 हो जाएगा। तो 37 मतलब 2 रुपये आपको 1 लीटर पर बचेंगे। तो आपको लगाओ कि जो महीने का आपका होगा उसका आप अनुमान लगाइए कि आपको उसमें सब कुछ आ जाएगा। मतलब जो बीजेपी है उसे इन्होंने तगड़ा मारा है। और इन्होंने कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सर्व जनांग द शांति या तोटा, सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा, इस नाम से उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। और उन्होंने जो
जो फ्री की जो उन्होंने घोषणा की है, पंच गारंटी का उन्होंने उल्लेख किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनावी गारंटी है वो हमने घोषणा कर दिया है, और कर्नाटक का व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा कानून भी बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि एक तो गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो परिवार की प्रमुख महिला है उसको 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जो भाग्य अन्य भाग्य के तहत बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल मिलेगा, जो बीजेपी ने कहा था 5, इन्होंने कहा 10। युवा निधि के तहत 3000 रुपये मिलेंगे, डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये मिलेंगे। अब देखिए कितनी बड़ी अनाउंसमेंट है, इनको कौन वोट नहीं डालेगा। शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में KSRTS और BMTC बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी। और मित्रों, इससे बड़ी जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो की है OPS लागू करने की, यानी पुरानी पेंशन स्कीम जिसके लिए पूरे देश भर में लोग डिमांड कर रहे हैं कि OPS लागू होना चाहिए, तो उस OPS को लेकर कांग्रेस ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो बीजेपी को प्रेशर में आगे, और बीजेपी को भी कुछ ना कुछ अनाउंस करना पड़ेगा। बजरंग दल पर जो उन्होंने बैन किया उसमें प्रधानमंत्री ने बड़ी चुटकी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले उन्होंने श्रीराम जी को ताले में बंद करके रखा, अयोध्या में आपको याद हो कि 49 में जब वहाँ रामलला प्रकट हुए थे तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वहाँ ताला लगा दिया था, और फिर वो ताला राजीव गांधी ने ही 1984 में खोला था। तो ये ताला जो उन्होंने लगाया था, आप कह रहे हैं कि बजरंग बली की बारी है, क्योंकि बजरंग दल पर उन्होंने बैन करने की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये अब बजरंग बली की बारी, ये प्रभु राम से इनको तकलीफ होती है। मित्रों, इसके अलावा जो आज की एक हॉट खबर है पॉलिटिकल, कि पवार ने NCP का अध्यक्ष पद छोड़ा, हालांकि उनके घर की पार्टी JB पार्टी है, वो अध्यक्ष रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें सवाल ये कि वो अपने भतीजे अजीत को अध्यक्ष बनाएंगे या अपनी बेटी को सुप्रिया सूले को बनाएंगे। तो आज बड़ी इसमें चर्चा रही कि जैसा ऐसा हुआ कि पता नहीं देश में कितनी बड़ी घटना घट गई, जो इनके पार्टी के लोग थे बोले नहीं नहीं पद मत छोड़िए, भाई पद तुम्हारा घर का पद है, जब चाहो तब बना लो, जब चाहो तब ले लो। तो इस पद को लेकर आज सबने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पद आप वापस ले लो। तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई है। ये टिल्लू जो दिल्ली की रोहिणी अदालत में गोलाबारी की घटना के आरोपी टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में आज सुबह उनके प्रतिद्वंदियों ने हमला कर दिया, और उन्हें आज जो कारागार अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे प्रतिबंधियों के हमले में ताजपुरिया को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कारागार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुनील उर्फ टिल्लू 33 वर्ष को उच्च जोखिम वार्ड के निचले तल में बंद किया गया था। प्रतिबंधी गुट गोगी गिरोह के 4 कैदियों ने सुबह 6:15 पर उस पर हमला कर दिया, और अधिकारी ने बताया कि हमलावर दीपक उर्फ तीतर, योगेश उर्फ टुंडा, राजेश और रियाज खान उसी वार्ड में पहले से उसी तल में बंद थे। उन्होंने उच्च सुरक्षा वाले एक वार्ड के पहले तल पर लगी लोहे की जाली को कथित तौर पर काटा और चादर की सहायता से वे नीचे उतराए। अधिकारी के अनुसार इसके बाद हमलावरों ने ताजपुरिया को धारदार वस्तु से हमला कर दिया। जी, अधिकारी ने बताया कि उपचार के बाद तजप्रिया को सुबह 6:45 पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। तो इस तरह से एक और, इससे पहले जो लॉरेंस का जो जो एक और वहाँ पे शूटर था उसको भी इसे उसके साथियों ने मार डाला था। मित्रों, आज शराब घोटाले में एक और नाम आया है, चार्जशीट में चड्ढा और संजय का जिक्र आया है, हालांकि उसमें सिर्फ जिक्र है, ये नहीं है कि उसने पैसे लिए, उन्होंने ये क्या किया। उन्होंने कहा कि जो मीटिंग हुई है शराब माफिया को लेकर, जिस जो बैठक हुई थी उस बैठक में चड्ढा का नाम आया कि चड्ढा भी उस मीटिंग में शामिल थे, बस इतनी सी बात है। हालांकि चड्ढा ने खबरों का खंडन किया है,
लेकिन जो बात सच है वो तो सच है। हर तीसरा परिवार ठगा गया। इस बीच करीब 39% भारतीय परिवार पिछले 3 साल के दौरान ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बने हैं। इनमें से सिर्फ 24% को ही उनका पैसा वापस मिल पाया है। लोकल सर्किल की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 33% लोगों ने कहा कि वे क्रेडिट या डेबिट कार्ड धोखाधड़ी का शिकार बने हैं। तो हर परिवार, 13% परिवार खरीद और वर्गीकृत साइट उपयोगों के कारण ठगे गए हैं। 10% लोग एटीएम कार्ड की धोखाधड़ी के कारण, उसे मैं भी शिकार हूँ। मेरा भी एटीएम हैक हो गया था और मेरे 10,000 रुपये निकले और मैंने एफआईआर कराई, और लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं आया, तो मुझे भी फिर पीछे हटना पड़ा। मित्रों, इसके अलावा दिशपुर पुलिस के समक्ष पेश होंगे श्रीनिवास, कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनको दिशपुर थाने में एक जो उनकी अंकिता है, अंकिता दत्ता, जो असम इकाई के अध्यक्ष, उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज की थी। आरोप लगाया था कि श्रीनिवास उनका पिछले 6 महीनों से मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और लैंगिक आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लगा रहा। द केरल स्टोरी पर रोक की याचिका पर सुनाई सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तथा अधिवक्ता निजम पासा ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ को सूचित किया है। सूडान से 231 भारतीय अहमदाबाद पहुंच गए हैं। वहां से लगातार भारतीयों को निकालने का कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, वहाँ से जो भारतीय फंसे हुए हैं सूडान के जो संघर्षग्रस्त हैं, लोगों को देश छोड़ने का सिलसिला जारी है। बड़ी भीड़ आप देख रहे होंगे टीवी पर फोटो में, तो ये बड़ा दुखद सा लगता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन अपने सुझाव देते रहिए, क्योंकि बिना सुझाव का मेरा भी उत्साह नहीं बढ़ेगा, और आपका सुझाव आएंगे तो मैं उस पर और रिएक्ट करूँगा और अच्छी चीज़ें आपको प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद।